कुछ महीनों पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था यूट्यूब पे और उसमें मैंने यही गाना प्ले किया था, GRA फ्रॉम द मूवी जब तक है जान। तो इसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें ये लेसन दे दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि आज इस गाने का लेसन भी आपको मिलेगा, प्लस मेन जो कंसर्न है वो ये है, टुडे वी विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज द ऑक्टेव कॉर्ड्स। इनको हम बोलते हैं ऑक्टेव कॉर्ड्स, और कैसे इनकी शेप होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम बात करेंगे। ये है माई गिटार मेथड्स के टेक्निकल ट्यूसडे। मेरा नाम है अक्षय और अब आप पूरा वीडियो देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑक्टेव क्या होता है। ऑक्टेव, जैसे कि उसकी स्पेलिंग है OCTAVE, स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ एट। ऑक्टेव मतलब आठ होता है बेसिकली, बट म्यूजिक में हम अगर ऑक्टेव की बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है एक इंटरवल से। दो नोट्स होते हैं जिनका आपस में जो इंटरवल है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे टोटल नोट्स होते हैं ना 12, उन्हीं 12 का ख़त्म होने के बाद वो रिपीट होता है। मतलब जो हमारे सा से सा का डिफरेंस है, सा सा रे सा, तो ये सा और ये सा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सा है ये इसका ऑक्टेव है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी नोट रिपीटेशन होता है सेम नोट इन डबल फ्रिक्वेंसी, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का फ़र्क होता है। मतलब जो फ्रिक्वेंसी है, जो साउंड है, जो पिच है, वो डबल हो जाता है। आई नो थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा होगा, बट दिस इज़ म्यूज़िक। कि अगर ये है 50 हर्ट्ज तो इसका ऑक्टेव होगा 100 हर्ट्ज, उसका ऑक्टेव होगा 200 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्टेव। तो अब ऑक्टेव कॉर्ड से हमारा क्या मतलब, देखिए कॉर्ड टेक्निकली देखा जाए तो कॉर्ड हैज़ टू बी अ ग्रुप ऑफ थ्री, ट्रायड। बट इन कॉर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जैसे पावर कॉर्ड्स होते हैं ना, हम बोलते हैं पावर कॉर्ड्स, बट उनमें भी दो ही नोट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो नोट होते हैं, बट हम लोग लो ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव को एक साथ प्ले करते हैं और वो कुछ ऐसा साउंड करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सी का, तो ये सी है और नेक्स्ट सी हमें यहाँ मिलता है। तो इन दोनों को जब आप साथ में प्ले करेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर व्हेन यू प्ले रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी म्यूटेड, ठीक है। यू कैन अप्लाई द सेम शेप फ्रॉम 6 and 4 ऑल्सो। तो मैंने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रिंग है 6th string 3rd fret और रिंग फिंगर मैंने रखी 4th string 5th fret। Now you can see, you can hear the bass, that is the 6th string and the treble, or you can say mid. Highly recommend to use the little and the index finger for this. Okay, the same concept can be applied between the 3rd and 1st string also. So, agar maine index finger rakha hai 2nd fret pe 3rd string ke, that is a B. Then I, that is a A. Then I'll keep my little finger at the 5th fret of 1st string. तो अभी अगले सेक्शन में हम आपको सिखाने वाले हैं दो कूल रिफ्स। वन इज दिस जो अभी मैंने इंट्रो में बजाई थी, एंड सेकंड अ लिंकिन पार्क रिफ। यस, आई होप आप सब लोग जानते होंगे लिंकिन पार्क। ऑक्टेव कॉर्ड्स का यूज करने का बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप किसी मेलोडी को, किसी ट्यून को एक ऑक्टेव कॉर्ड शेप में डाल सकते हैं। जैसे देयर इज अ बैंड कॉल्ड लिंकिन पार्क, जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं मेरे भी म्यूज़िक सीखने में, सिखाने में। उनका एक गाना है कैसल ऑफ ग्लास, उसमें एक मेलेडी है जो एज अ रिफ काम में ली जाती है, एंड दैट साउंड्स लाइक दिस। मेलेडी मैंने प्ले की, इसकी टैब्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हर पॉइंट को मैंने एक ऑक्टेव कॉर्ड से रिप्लेस कर दिया है। तो जहां मैं प्ले कर रहा था, अब मैं प्ले करूंगा, थोड़ा सा टफ होगा बट आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। इसमें जो की है, जो सबसे ट्रिकी काम है, वो है बाकी स्ट्रिंग्स को म्यूट रखना। म्यूट साउंड, म्यूट साउंड, म्यूट म्यूट, ठीक है। फॉर म्यूटिंग दीज स्ट्रिंग्स आई एम यूजिंग माई लिटिल फिंगर,
ठीक है, और थंब से मैंने छठा म्यूट किया हुआ है, और इसके लिए आई एम यूजिंग माय इंडेक्स फोर्थ के लिए, ठीक है. सो इट विल साउंड लाइक दिस अगेन. ओके, तो साथ में थोड़ा सा मुश्किल है, होप क्या पता ही है मुझे मुश्किल है, आप थोड़ा सा अटकेंगे, बट प्रैक्टिस करके अच्छे से हो जाएगा. ओके, चलिए अब बात करते हैं जी आर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्टेव कॉर्ड्स का मेनली यूज होता है किसी भी मेलोडी को एक तरीके से यू नो काइंड ऑफ ऑक्टेव में हार्मोनाइज करने के लिए, ऑक्टेव में एक हार्मनी देने के लिए. तो जो जी आर ए की मेलोडी है दैट साउंड्स लाइक दिस, आई एम प्लेइंग ऑन द थर्ड स्ट्रिंग. Okay, so 2 and 4. Then 9 and 11. Ab every spot will be converted into a octave. तो इसके लिए मैंने अपना इंडेक्स फिंगर रखा यहां सेकेंड स्ट्रिंग, और लिटिल फिंगर जाएगा फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, नहीं इंडेक्स फिंगर है सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, एंड लिटिल फिंगर है फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, ठीक है. एंड देन आई डू दिस, अब ये क्या कर रहा हूं मैं, ट्यून पे ध्यान दो. इट्स अप टू यू, यू वॉन्ट टू डू डाउन, बट ये रिदम ले ना, ओके. सो दिस इज हाउ यू प्ले द जी आर ए. इसके लिए भी मुझे पता है कि थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंप्लेंस लेके आएंगे, बट उसके सॉल्व करने के लिए हम लोग इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर. आई होप ये जो ऑक्टेव कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छा लगा हो, कूल लगा हो, डिफरेंट लगा हो, और आप उसकी प्रैक्टिस करके हमें ज़रूर से बताएंगे. बाकी तो मिलते हैं, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.